प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों की एनपीएस सहित सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। विगत दिवस स्वास्थ्य मंत्री से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद चिकित्सकों ने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को विराम दिया है। वह आज से चिकित्सक समय पर ओपीडी में मरीजों को देख रहे हैं, जिससे सबसे अधिक मरीजों ने राहत की सांस ली है। जिला सोलन में 140 चिकित्सक हड़ताल पर थे, जिससे मरीजों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए चिकित्सक एसोसिएशन सोलन इकाई के प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री से बैठक सार्थक हुई है। वे उन्होंने चिकित्सकों की सभी मांगों को माना है। वो ओपीएस सहित सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के बाद अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को 3 माह तक विराम दिया है। यदि इस दौरान उनकी मौखिक मांगे मानी गई तो मांगों पर अधिसूचना जारी नहीं होती है तो फिर से वह पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। से हमारी सारी ऑलमोस्ट डिमांड्स को उन्होंने पूरा किया है, परंतु नोटिफिकेशंस जब तक जारी नहीं होती हैं तब तक अभी आश्वासन नहीं माना है। तो हमने एक तरह से इसे डेफर किया है स्ट्राइक को कि 3 महीने के लिए हम विराम देते हैं। उसके बीच में सरकार जो है अपनी जो है जो भी आश्वासन उन्होंने दिए हैं जिन पर मोहर लगाई है इसको पूरा करें और 3 महीने बाद इस पर पुनः विचार CEC करेगी। कल जो हमारी वार्ता हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, जहाँ CPS और हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और सेक्रेटरी हेल्थ भी मौजूद थे, तो काफ़ी विस्तार से बात हुई 2-2.5 घंटे के बाद और सभी डिमांड्स को काफ़ी विस्तार से सुना उन्होंने और उस पर एनालिसिस करने के बाद जो था पूर्ण उन्होंने मोहर लगाई, सभी डिमांड्स को माना गया है। परंतु कुछ डिमांड्स में उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कि इसमें कमेटी में ले जाने के लिए, तो सबसे पहले जो हमारा NPA का इशू था जिस पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मिलेगा आपको और उसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगी, जिसके उन्होंने फाइल्स भी मूव करनी शुरू कर दी हैं। तो दूसरा जो इशू था हमारा DCPS का, तो DCPS के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है और जिसके लिए 3 महीने का समय रखा गया, 3 महीने के अंदर अंदर इसको टाइम बाउंड करके इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। हमारे जो एक्सटेंशंस दी जा रही थी वो एक्सटेंशंस को बंद कर दिया गया है, बिल्कुल पूर्ण विराम लगाया है एक्सटेंशंस को। और बाहर के डिपार्टमेंट से जो हमारे डिपार्टमेंट में लगाए जा रहे थे डेंटल से आयुर्वेदा को, उस पर भी उन्होंने पूर्ण मोहर लगाई कि अब कोई भी नहीं किया जाएगा आगे के लिए। हमारे जो MPH की डिग्री के लिए जो उन्होंने बंद कर दी थी 2018 के बाद कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं हुई थी एलोपैथी में, जबकि डेंटल और आयुर्वेदा को ये स्पॉन्सरशिप दी जा रही थी, तो उसे भी एक बार फिर से उन्होंने शुरू किया कि आज से आप जो हैं आपकी ये स्पॉन्सरशिप पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा इशू था प्रमोशंस का, तो वो तो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, 16 BMO जो हैं ऑलरेडी उन्होंने प्रमोट कर दिए गए हैं। तो इसी तरह से कहते हैं इसके लिए अब कमेटी का जो परमानेंटली गठन कर दिया गया है, सीनियोरिटी लिस्ट भी बना दी गई है और ये अब प्रोसेस में जो है प्रमोशंस होती रहेंगी। जो हमारा इशू था जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के, उस पर कहते विचार होगा और कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। PG पॉलिसी का भी समय जो है कम करने, 4 साल से और 2 साल से 1 और 2 साल करने के लिए उन्होंने मोहर लगाई है। तो इसी हिमाचल प्रेस उसके लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।